अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 के बी पार्ट के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो जैसा कि हमने आपको सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8A में एक कंप्यूटेशन करना सिखाई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमने अपना फ्यूल जो हमने कंज्यूम किया, यूज़ किया इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पीरियड में, वो हमने निकाला, क्योंकि दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अगेन सिमिलर कंप्यूटेशन हमारे साथ मौजूद है, किसके हवाले से? फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स के हवाले से। अगेन दूसरी एडजस्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, तो आइए क्विकली इसको करते हैं। बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट रहेगा जिस तरीके से हमने फ्यूल यूज़ का ट्रीटमेंट किया था। तो बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ मौजूद है हमारे पास फैक्ट्री रिपेयर पार्ट बिगनिंग, हमारे पास मौजूद है 1400। फिर इसके बाद हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पीरियड में जो पार्ट्स परचेज किए वो अमाउंट हमारी मौजूद है 2100। परचेज ऑफ रिपेयर पार्ट्स 2100। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो इट मेक्स 3500। मीन्स फैक्ट्री पार्ट्स अवेलेबल फॉर यूज। अगेन इसमें से हमारे पास स्टिल ऑन हैंड जो पार्ट्स हैं वो 1300 के पार्ट्स मौजूद हैं, तो इट मीन्स के हमारे पास अगर 3500 में से 1300 के पार्ट्स मौजूद हैं तो 2200 के पार्ट्स हमने इस प्रोडक्शन पीरियड में यूज़ कर लिए। तो फैक्ट्री पार्ट्स यूज्ड हमारे पास 2200 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारे पास फ्यूल यूज जो था वर्किंग वन से 1900 आंसर आया था, जबकि फैक्ट्री पार्ट्स यूज्ड का जो आंसर हमारे पास आया वो आया 2200। तो आइए जल्दी से अब इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने आपको गुज़श्ता लेक्चर्स के दरमियान ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रॉ मटेरियल यूज्ड। तो आइए स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल यूज्ड के हवाले से आपके साथ बात कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल यूज्ड की कंप्यूटेशन हम स्टेटमेंट में करने की कोशिश करते हैं। तो रॉ मटेरियल यूज में सबसे पहले जो हमें आइटम रिक्वायर्ड होता है वो होता है रॉ मटेरियल बिगनिंग। तो रॉ मटेरियल बिगनिंग जो कि हमारे पास रुपीस 20,000 मौजूद है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं नेट परचेजेस। बट अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास जो परचेज गिवन है वही हमारी नेट परचेज की इक्वलेंट है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ना तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन है, ना ही हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न गिवन है, ना ही हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर परचेज डिस्काउंट गिवन है। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि जो हमने मटीरियल परचेज किया है वही हमारी नेट परचेज है। तो इसको हम नेट परचेज के तौर पे अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा बनाते हैं। तो नेट परचेज हमारे पास 29,000 स्टूडेंट्स। तो जब रॉ मटेरियल बिगनिंग और नेट परचेज ऐड होता है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है।
तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हमारे पास 49,000 इस वक्त मौजूद है। और फिर हम बात कर लेते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि हमें एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट गिवन नहीं थी, बट हमें एक रेट असाइन किया गया था यहाँ, जो कि बता रहा है कि 10% लेस देन बिगनिंग इन्वेंट्री। तो इट मीन्स हमने आपको बताया था जिस भी चीज़ को बेस बनाया जाता है वो हमेशा 100% होती है, और 100% के मुकाबले में अगर 10% कम कर दिया जाए तो हमारे पास इन्वेंट्री एंडिंग का जो बैलेंस बचता है वो 90% के बराबर बचता है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ आपको कंप्यूटेशन करके बता दूँ कि 20,000 इज़ द बेस, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री को बेस के तौर पे कंसीडर किया गया है, उससे 10% एंडिंग इन्वेंट्री कम है, इट मीन्स के हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 90% है। तो जब हम 20,000 में से 10% को लेस करते हैं तो हमारे पास 18,000 इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड। जो कि अमाउंट हमारी आती है 31,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।